मैसिव ब्रेकडाउन किया जिद कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया सीगा पंजाब दे विच जिहड़े एंटी सोशल एलीमेंट्स आ उन्हां दे खिलाफ ते लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करन वास्ते। तो सब तो पहला तो मैं सारयां नूं सिटीजनज नूं पंजाब दे जिहड़े वसनीक आ उन्हां नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ ते र्यूमर ते ध्यान ना दो क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारिया फेक न्यूज़ र्यूमर जिहड़े ने फैलाउण दी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह ही मीडिया परसनज नूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नूं उन्हां नूं भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर न्यूज़ जिहड़ी भी तुहाडे कोल आउंदी है उहनूं थोड़े फैक्ट्स चैक करके प्रॉपर सोर्सिस तो फिर ही न्यूज़ नूं जिहड़ा उह प्ले किया जाए बिना फैक्ट्स नूं चैक किए हुए बिल्कुल प्ले ना किया जाए। नाल दी नाल पंजाब पुलिस वालों बड़ी सख्त मैं वार्निंग देना चाहूँगा जिहड़े मिसचीवियस एलीमेंट्स आ जिहड़े स्टेट की पीस ते हारमनी नूं डिस्टर्ब करना चाहुंदे आ उन्हां दे खिलाफ बहुत सख्त एक्शन जिहड़ा उह लिया जाएगा। इस तरह हर शहर दे विच पंजाब पुलिस वालों फ्लैग मार्चिज चल रहे हैं जिदे विच पंजाब पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सिस मिलकर फ्लैग मार्चिज कर रहे हैं। पीस कमेटी दियां मीटिंग्स सारे शहरां दे विच सारे डिस्ट्रिक्ट दे विच कंडक्ट कीतियां गईयां वा ते सारयां नूं मैं अपील करना चाहूँगा कि पंजाब की जिहड़ी पीस ते हारमनी आ उहनूं मेनटेन किया जाए। स्टेट दे विच पूरी तरह शांति आ स्थिति बिल्कुल जिहड़ी आ स्टेबल आ किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या स्टेट दे विच नहीं हैगी। जिहड़ा ये पर्टिकुलर एक्शन लिया गया वा उहदे विच वारिस पंजाब दे जिहड़े हैगे ने कुछ एलीमेंट्स आ जिन्हां दे खिलाफ 6 क्रिमिनल केस हुण तक दर्ज किए गए हैं जिहदे विच जिहड़े डिसहारमनी फैलाउण वास्ते अटैम्प्ट टू मर्डर दे केस पुलिस परसनल ते अटैक ते पुलिस दे काम दे विच दखलअंदाजी करके ऑब्सट्रक्शन पैदा करन दे परचे दर्ज किए गए जिहदे विच FIR नंबर 29 पहलां दर्ज होई सीगी 16 फरवरी 2023 नूं जिहदे विच 365 323 506 379 B 148 149 IPC सैक्शन लगे सीगे। FIR नंबर 39 दर्ज की गई है 24 फरवरी 2023 नूं अजनाला पुलिस स्टेशन जिहदे विच 307 353 186 332 506 120 B और 148 149 IPC दे सैक्शन लगे। इस तरह जिहड़ा डिसफेक्शन ते सोसाइटी दे विच जिहड़ी दराड पैदा करन दी कोशिश की गई उहदे विच FIR नंबर 54 22 फरवरी 2023 दी बी डिवीजन अमृतसर च दर्ज की गई। FIR नंबर 34 24 फरवरी 2023 नूं बाघा पुराणा दे विच दर्ज की गई। इन्हां दोनों FIRs दे विच 153 ए ते 506 जिहड़े कॉमन सैक्शन आ जिहड़े लगे होए। FIR नंबर 26 18 मार्च नूं दर्ज की गई खलचियां दे विच जिहदे च 279 336 353 186 ये वो सैक्शन आ जिहड़े कि किसी नूं सट लाउण दी कोशिश करना पब्लिक सर्वेंट नूं ते पब्लिक सर्वेंट दे अगेंस्ट उहदे काम दे विच दखलअंदाजी करना। FIR नंबर 27 दर्ज की गई मैथपुर थाने च जिहदे च 279 ते 25 आम डेक च लग्गिया। सो 6 FIR हुण तक जिहड़ी आ वारिस पंजाब दे एलीमेंट्स दे खिलाफ दर्ज कीतियां गईआं। इहदे विच जिहड़ा मुख सरगना सी अमृतपाल सिंह उह अजे फरार आ उहनूं फड़न वास्ते एफर्ट पुलिस वल्लों कीते जा रहे आ बहुत सारियां कई र्यूमर्स फैला रहे आ। मैं तदे सारयां नूं दुबारा बेनती करूँगा कि किसी भी तरह की कोई खबर देने तो पहला उहदे प्रॉपर फैक्ट्स चैक कर ले जाण। सो पंजाब पुलिस बहुत स्पष्ट है कि अजे अरैसट नहीं होया और अरैसट करन दे जिहड़े यतन आ भरपूर पूरी स्टेट दे विच ते बाकी जगह दे उत्ते साडे जारी है। हुण तक 114 जिहड़े एलीमेंट्स आ जिन्हां ने पीस ते हारमनी डिस्टर्ब करन दी कोशिश कीती उन्हां नूं राउंड अप किया गया है जिहदे विच 78 बंदे डे 1 ते किए गए सी ते 2 जिहड़े ने उह कल रात होर जिहड़े गिरफ़्तार किए गए। हुण तक 10 वैपन जिहड़े ने रिकवर किए जा चुके हैं जिहदे विच 9 राइफल्स ने 7 12 बोर दीआं राइफल्स ने 2 315 बोर दीआं राइफल्स ने 1 रिवॉल्वर आ 32 बोर दा और 430 जिहड़े ने कार्टरेजेस हुण तक रिकवर किए गए। 4 व्हीकल्स पुलिस ने कब्जे च लए आ जिहदे विच एक मर्सडीज कार आ 2 एंडेवर ने 1 इसूजू व्हीकल आ। ये जिहड़ा इसूजू व्हीकल आ ये अबेंडेंड मिलिया सीगा जिहड़ा कि सलीना पिंड दे लागों रिकवर किया गया। इहदा जिहड़ा ओनर आ उह इक मनप्रीत सिंह नाम का बंदा है जिहड़ा कि अनोखरवाल पिंड का रहने वाला है उहनूं भी 114 जिहड़े बंदे अरैसट किए गए उस केस से ऑलरेडी अरैसट होया हुआ है। और इस गड्डी दे विचों एक 315 बोर दी राइफल एक स्वॉर्ड एक वॉकी टॉकी सैट जिहड़ा मिलिया सीगा जिहड़ा पुलिस ने कब्जे च लै लिया वा।
इस तो अलावा ये जिहड़े जिन्ने भी एलीमेंट्स आपां अरैसट कीते इन्होंने होर डूंघाई दे नाल तफतीश चल रही है। आई एस आई का जिहड़ा एंगल आ सानूं बहुत स्ट्रोंग सस्पिशन आ हुण तक जिहड़े तत् सामने आए आ जिहड़े सरकमस्टांसिस सामने आए आ और फॉरन फंडिंग का भी बड़ा स्ट्रोंग सस्पिशन है ये और इन्हां दीआं एक्टिविटीज़ इन्हां दे जिहड़े सारे हालात आ उत्थों ये सारा लग रहा है कि आई एस आई भी इनवॉल्व है प्लस इन्हां दी फंडिंग जिहड़ी आ फॉरन तो भी हो रही सी। एक इन्हां दे विच होर जिहड़ा तत् सामने आया है कि एक ए के एफ जिहड़ा है वो जिहड़ियां बुलेट प्रूफ जैकेट्स कवर कीतियां जिहड़ियां राइफल्स कवर कीतियां और जिहड़ा इन्हां दे मुख सरगना जिहड़ा जिहड़े उहदे गेट दे उत्ते भी ए के एफ लिखिया सीगा वो आनंदपुर खालसा फौज जिहड़ा है वो एक जथेबंदी जिहड़ी सीगी बनाने की कोशिश की गई जिहदे विच जिहड़े क्लोज आर्म्ड एसोसीएट सीगे उन्हां दे कोले जिहड़े इक्विपमेंट सीगे उन्हां दे उत्ते ये जिहड़ा ए के एफ वर्ड लिखा होया सीगा। चार जिहड़े डैटी न्यूज़ आ जिन्हां नूं असी करके कस्टडी च लै के उन्हां नूं दिब्रूगढ़ आसाम भेजा गया वा जिहदे विच दलजीत कलसी आ एक बसंत सिंह आ जिहड़ा कि दौलतपुरा दा रहण वाला वा एक गुरमीत सिंह बुकनवान सिंह प्रधानमंत्री एक होर डैटी न्यूज़ आ हरजीत सिंह जिहड़ा कि जिहड़ा ऑन दी वे आ दिब्रूगढ़ उन्हूं लैके जाया जा रहा वा। सो सारी फंडिंग आ हुण तक के हवाला दे थ्रू मेन सोर्स सीगा फंडिंग जिहड़ी इन्हें छोटे अमाउंट दे विच इन्हां नूं आउंदी सीगी थोड़ी थोड़ी करके कि जिहड़ी और जदों एक वहीर जिहड़ी चली सीगी उहदे विच भी काफ़ी जिहड़े फंड ने कलैक्ट होए ने। सो ये सारे तत् जिहड़े ने इहदे ते तफतीश चल रही आ पुलिस पूरी तरह वचनबद्ध आ पंजाब दे विच सिक्योरिटी मेनटेन करन वास्ते पीस हारमनी मेनटेन करन वास्ते और सारिआं नूं मैं दुबारा दसना चाहूँगा बहुत सारिया क्वेरीज आ लोगों दीआं बाहरों भी दूसरिया स्टेट्स तों भी पूरी तरह पंजाब दे विच शांति आ किसी भी तरह का कोई भी माहौल इतने खराब नहीं है पंजाब के। थैंक यू। मैं एक सैकेंड हिंदी में भी पंजाब पुलिस ने सैटरडे को एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलवाया था बहुत बड़े लेवल पे जिसमें जो एलिमेंट्स पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। सबसे पहले मैं सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज़ र्यूमर्स उस पर बिलीव ना करें फैक्ट्स पहले चेक कर लें। इसी तरह से मैं बाकी जो मीडिया पर्सन हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी न्यूज़ देने से पहले पुलिस से एक बार उसकी फैक्ट चेक करके ऑथेंटिसिटी उसकी चेक कर लें उसको तुरंत न्यूज़ को विदाउट ऑथेंटिसिटी न्यूज़ को पब्लिक फोरम पर मत डाला जाए। मिस्चीवियस एलिमेंट्स जो पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत सख्त चेतावनी पंजाब पुलिस की तरफ से है किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पंजाब में इस टाइम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं एसएसपीज़ की तरफ से सीपीज़ की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन करके पीस कमेटीज़ हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई हुई हैं जो पीस कमेटीज़ की मीटिंग्स चल रही हैं और स्टेट में जो पब्लिक ऑर्डर है जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से मेंटेन्ड है पंजाब में बिल्कुल स्टेबल है पंजाब और बिल्कुल शांति है पूरी स्टेट में। अभी तक WPD जो वारिस पंजाब के जो हैं एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ 6 केसेस रजिस्टर किए गए हैं जिसमें इन केसेस में जो मेन सेक्शंस हैं वो डिसहार्मनी अमंग क्लासेस अटेम्प्ट टू मर्डर के पुलिस पर्सनल पे अटैक और पुलिस पर्सनल के काम में ऑब्स्ट्रक्शन करने के सेक्शन लगाए गए हैं। FIR नंबर 29 है जो 16 फरवरी की है अजनाला में रजिस्टर की है जिसमें 365 323 506 148 149 और बाकी सेक्शंस लगे हुए हैं। 39 नंबर FIR जो अजनाला पुलिस स्टेशन पे अटैक किया गया था 24 फरवरी की वो रजिस्टर की गई है जिसमें 307 353 186 332 333 506 120B 427 148 149 IPC के सेक्शंस लगे हुए हैं। 2 FIR हैं जो डिसहार्मनी फैलाने के जुर्म में रजिस्टर की गई है जिसमें FIR 54 जो 22 फरवरी की है पुलिस स्टेशन बी डिवीज़न अमृतसर की और एक FIR 34 वो भी 22 फरवरी की है पुलिस स्टेशन बाघा पुराना की। 26 नंबर FIR पुलिस स्टेशन कलचिया में दर्ज की गई है जिसमें 279 336 353 186 इसमें भी पुलिस के काम में दखलंदाजी ऑब्स्ट्रक्शन पुलिस को इंजरी के सेक्शंस लगे हुए हैं। FIR नंबर 24 19 जो मार्च की है
इसमें मेहतपुर में रजिस्टर की गई है, जिसमें 279 और 25 आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगाए गए हैं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है, पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो हैं तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए हैं। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी प्रिवेंटिव सेक्शंस में, और बाकी जो केसेस हैं उनमें इनकी जो नॉमिनेशन है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेट करके फर्दर उसको नॉमिनेट किया जाएगा। अब तक 10 वेपन रिकवर किए हैं, जिसमें 9 राइफल्स हैं, 1 रिवॉल्वर है, जिसमें 7 12 बोर की राइफल हैं, 2 315 बोर की राइफल है, 1 32 बोर का रिवॉल्वर है और 430 जो है लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। 4 व्हीकल कन्फिस्केट किए हैं, जिसमें 1 मर्सिडीज कार है, 2 एंडेवर्स हैं और 1 ISU ZU जो सुजू व्हीकल है। इस व्हीकल में जब ये अबेंडन मिला था, इसमें से एक 315 बोर की राइफल, स्वॉर्ड, वॉकी टॉकी सेट इसमें से मिले हैं, जिसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। एक और इसमें जो सामने आई है चीज़ के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, DP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उस पर भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह आया कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था, उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। 4 डेटिन्यूज हैं जिनको अभी डिब्रूगढ़ जो वो ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें दिलजीत कलसी है, एक बसंत सिंह है, एक गुरमीत सिंह बुकनवाला और भगवंत सिंह प्रधानमंत्री है। एक और डेटिन्यू हरजीत सिंह है जो ऑन दी वे है टू डिब्रूगढ़, और इसमें जो पूरे इनकी पूरी जो संस्था है इसके सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है अब तक आया है कि हवाला, फॉरेन फंडिंग स्मॉल अमाउंट्स में इनके अकाउंट्स में आई है, उसको अभी और चेक किया जा रहा है। व्हीकल्स की, जो व्हीकल्स इनसे मिले हैं, उसका भी सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं कि उसके फंडिंग के सोर्सेज कहाँ से आए, क्योंकि जिन लोगों के नाम पे अभी तक ये सामने आ रहा है उनके इतने इनकम के इकोनॉमिकल सोर्सेज उनके नहीं थे कि वो खुद एफर्ट कर, खुद ये जो व्हीकल्स हैं वो अफोर्ड कर सकें इसमें। सो फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस पूरे एफर्ट कर रही है उसको अरेस्ट करने की। देखिए ये जो ये वाला पार्ट है ना जी, ये इन्हें आप डिस्कलोज नहीं, पर साड़ी जिहड़ी पूरा एजेंसी स्पैशलाइज्ड विंग्स आ इस काम ते लगे आ, सारे नाल ही कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, जिस नाल भी जरूरत है उस नाल कोऑर्डिनेट। सर जिहड़ा AKF जिहड़ी उन्होंने संस्था जिहड़ी बनाई गई है, वो बेसिकली ओदा मोटिव जिहड़ा ठीक है राइफल्स ते यूज किया गया है, तो सानू ये सस्पिशन है कि जिहड़े क्लोज एसोसिएट सीगे, जिन्हां दे कोले वेपन सीगे, उन्हां नूं ये नाम दिता गया है अनंतपुर खालसा फौज। तो इस चीज़ नूं हुण फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होएगी होर तथ्य दे सामने आने। सर लगभग 50 से लेकर 100 गाड़ियां हैं उस दिन अमृतपाल के पीछे थी, सर ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह से वीडियोस आ रहे हैं, कैसे अमृतपाल ये फरार हो गया? नहीं, वो देखो स्पॉट पे एफर्ट किया गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह की उसकी स्पीचेस थी, तो पुलिस को ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे पुलिस अरेस्ट करना चाहेगी वो अरेस्ट हो जाएगा। सो कई बार वो ऑन द स्पॉट जो ऑफिसर्स हैं जो उनसे बेस्ट हो सका उन्होंने किया। सर जो देखो केस में तुम दस दिते जी, 6 केस दर्ज हुए है, उहदे विच 6 केसिस दे विच डिसहारमनी अमंग क्लासिस दा केस है, 2 केसिस आ अटैम्प्ट टू मर्डर दे केस आ, पुलिस पर्सनल ते अटैक दे केस आ, पुलिस पर्सनल दे काम दे विच ऑब्स्ट्रक्शन दे केस आ। सो NSA ਜਿਹੜਾ NSA ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ NSA ਦੇ ਡੈਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਜ ਸਰ ਇਸ ਮੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਕੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਆਨ ਮੋਰ ਆਨ ਦਿਸ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਦੇ ਵੋ ਸੈਂਡ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੇਸ ਪੀਸ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਭੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 1-to-1 ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਡੈਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ 1-to-1 ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਫਾਰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਐਂਡੈਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਆਈਸੂਜੂ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗਾ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਏ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਟ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ 'ਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਿ ਆਜ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਮਾਰੀ ਕਸਟਡੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰੇਂਗੇ ਜੋ ਆਜ ਤੱਕ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਹਮਨੇ ਜੋ ਆਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਮੇਂ ਕੀਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਕੇ ਐਂਬਿਟ ਮੇਂ ਕੀਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਕੀਆ ਹੈ ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਅਵੇਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜੋ ਇਸ ਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਪਿਓਰਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ 5 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸ ਲਾਈਕਲੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ 5 ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਬ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਏ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ
मैं देखो टिप्पणी दे सकदा एक होलिस्टिक इशू आ देखो बंद किया गया वा मेनली पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वास्ते सो ए कॉल ता टाइम टू टाइम बेसिस दे उते एग्जामिन करके ही ले जा सकते हैं सो फार बंद फर्दर जो एज पर सिचुएशन कॉल ले जाएगी कि देखो ये एंटीसिपेशन च हुंदा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर नू मेंटेन करने वास्ते बहुत सारे स्टेप्स जरूरी हुंदे आ सो ये उहदा एक पार्ट आ फर्दर अगे अगे असैसमेंट होएगी जिस स्टेज ते लगेगा कि हुण ठीक है उदों ओपन कर सकते हैं वो तो लोकल पुलिस उन्होंने डील कर रही है जी उन्होंने गलबात कर रही है जो नेगोशिएशन दे विच कोई ना कोई हल निकल आएगा अच्छा आप कह रहे थे कि पुलिस से वेरीफाई किया जाए कौन सा माध्यम होगा आप कोई या तो कोई बंदा भेज करो कि अगर हमें नहीं देखो जब तक मैं वही कह रहा हूँ जैसे कल हमने पूरा स्पष्ट कर दिया था कि अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है तो जब तक हमारी तरफ से देखो रात को जैसे कई लोगों के फोन आए कि हैज ही बीन अरेस्टेड तो जब तक नहीं अरेस्ट हुआ जब तक हम मतलब अगर जैसे ही अरेस्ट होगा वी विल कम आउट के भी हमें ठीक है वो हम करते रहेंगे आपको वी विल कीप ऑन अपडेटिंग लग गया जी सर हम ये कह रहे हैं कि सर अगर आप बाइट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जो सर आप सोशल मीडिया पर डाल रहे होते हो अपडेट देखो हम लोग जैसे जो आपकी क्वेरी है नॉर्मली हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज जिसको अरेस्ट जब तक नहीं हुआ जब हम नहीं कह रहे इसका मतलब अब तक नहीं हुआ मैं कह रहा हूँ जी ये अभी स्टेज पे नहीं कहा जा सकता ये असेस करते हुए देखो इस पे देखो टाइम लाइन कभी फिक्स नहीं की जा सकती नहीं पुलिस अपना जो पूरा एफर्ट है कर रही है और हमने 114 लोग हैं उनको कस्टडी में लिया पूरी स्टेट में शांति है बाकी जो हमारी असेसमेंट है जो सर्विसेज कब देनी है क्या करना है वो हम असेस करके वो भी लोग देखो राठी जी पूरी सारा ऑपरेशन दिया नीटिग्रिटीज डिस्कलोज नहीं कीतिया जा सकदियां बट प्रॉपर साडी सारे नाल कोऑर्डिनेशन आ किसे स्टेट दी हेल्प चाहिदी है ओदे नाल भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आ सेंट्रल दी कोई एजेंसी दी हेल्प चाहिदी है तो प्रॉपर सारे नाल इन टैंडम काम कीता जा रहा है मैं कह रहा जिथे जिथे पुलिस नु देखो पंजाब पुलिस जिहड़ी आ ओनू साडा मेन काम की है कि असी लॉ एंड ऑर्डर नु मेंटेन करना पब्लिक पीस नु मेंटेन करना है और इस इशू दे उते इस मैं वही गल कर रहा जी इस इशू दे उते जिहदी भी हेल्प सानू चाहिदी आ असी उस तो डिमांड कर रहे हैं और सानू सारयां दे वल्लों असिस्टेंस जिहड़ी आ फुल मिल रही है मैं कह रहा हूं असेस करके ही है जी टाइम टू टाइम बेसिस पे मैं कह रहा हूं कहीं भी हमें कहीं से भी किसी की भी हेल्प चाहिए सबके साथ हम इन टच बट मैं वो किसी एक पुलिस या एक संस्था उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हमने सबको लिया है लूप में देखो एग्जैक्ट अमाउंट मैं वही कह रहा एग्जैक्ट अमाउंट एडी जल्दी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता पर जेडे एंगल दा मैं तुहानू सारे दस दित्ते के जेड़ा फंड्स आए आ वो छोटे अमाउंट भी आए आ बहुत सारे आए आ व्हीकल्स दे सोर्सेस चेक किए जा रहे हैं सो प्राइम ऑफिस आई सफिशिएंट एविडेंस आ कि अपने सोर्सेस तो कुछ भी नहीं लिया गया अजय इस स्टेज ते कुछ नहीं कहा जा सकता मैं कह रहा हूँ स्टेज पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता वो तो टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर किसी को कहीं भी भेज सकते हैं दैट इज विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ यूके
देखो साडा ओहदे नाल लिंक नहीं, साडा साडी स्टेट च पीस मेनटेन करना साडा काम आ, पंजाब दे विच शांति नू मेनटेन करना साडा काम आ, ओहदे लई असी वचनबद्ध आ जी। देखो प्रोविजन तो तुम पढ़ लेना, प्रोविजन के विच ये होंदा है कि एक एडवाइजरी बोर्ड होंदा है, तीन हफ्ते दे विच विच एडवाइजरी बोर्ड दे कोले रिपोर्ट जानी होंदी है, तीन तीन महीने के पीरियड से एक्सटेंड किया जा सकता है, मैक्सीमम पीरियड एक साल का होंदा है। सो जो जो प्रोसीजर आ प्रोपर प्रोसीजर ये फॉलो किया जा रहा वा, ये कोई रिमांड की लड़ नहीं होंगी जी, ये डिटेन करके तीन हफ्ते के जो एडवाइजरी बोर्ड होंगे, एडवाइजरी बोर्ड को इनफॉर्म करना होंगे, फिर वो एग्जामिन करता है सारा एविडेंस एंड इफ इट फील्स वो अलाउ कर देता है उसने। नहीं नहीं ये स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं एंड सून ही विल बी अरेस्टेड। देखो ये चीज़ा देखो ये तो बहुत प्रिलिमिनरी है, असी तो एक चीज़ बारे है कि जेडे इन्होंने जिन्हिया भी एक्टिविटीज सीगियां वो एक्टिविटीज़ स्टेट का जोड़ा कम्यूनल हारमनी स्टेट की पीस में डिस्टर्ब करने वाली सीगियां, असी वो खिलाफ़ कार्रवाई की है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की, ये एक स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते कार्रवाई की गई। नहीं वो सारा चल रहा इन्वेस्टिगेशन दे नीटीग्रेटिज फैक्ट्स डिस्कलोज नहीं किए जा सकते क्योंकि एक लंबी इन्वेस्टिगेशन है, ये कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस इनवॉल्व आ जिद तो सारे जो ज्यों ज्यों तत्थ अगे आई जाएंगे आप टाइम टू टाइम तुम्हें अपडेट करी जावे। कुछ अनलाइसेंस्ड वैपन है और फर्दर उन्होंने अजे असं वेरीफाई कर रहे हैं उस चीज़। देखो ये बारे मैं यह जी गल नहीं कर सकता, साडा मेन जिहड़ा मुद्दा वा कि इसकी तफतीश फेयर होनी चाहिए है और कानून के दायरे च रह के होनी चाहिए। नहीं वो एविडेंस कलैक्शन के उत्ते प्लैनिंग के उत्ते हर चीज़ बड़ा कुछ होंगे जी, ये ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी होंगी, ये सारा कुछ जरूरी सीगा, सारे तत्थ कट्ठे करने जरूरी होंगे, अपने आप को सैटिस्फाई करना जरूरी होंगे, प्लस की यदि इंप्लीकेशन है सारे एग्जामिन करके फिर ही एक्शन लिया जाता है। देखो अज की डेट के स्टेट के मैं दोबारा कह रहा बिल्कुल शांति है, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी डिस्टर्बेंस कितने स्टेट नहीं हैगी, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने जरूरी होंगे जिदा इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं हैगी, ये वाले प्रिकॉशनरी मेजर्स आ ये लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते जरूरी होंगे, पर अज बिल्कुल सारे पंजाब दे विच स्थिति बिल्कुल स्टेबल आ, बिल्कुल शांति है, कितों भी किसी भी तरह की कोई अनसुकामी घटना की कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं हैगी। देखो वो बारे मेरे को इनफॉरमेशन नहीं हैगी, जो असी पिछली बार दस्या से प्रिलिमिनरी वेरीफाई करके दस्या से, जे वो फर्दर कोई वो जानकारी होगी शेयर कर दी जाऊगी, कह नहीं सकते ये बारे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी, होर कोई तो नहीं है, थैंक यू।